हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके घर में अगर पूरा वायरिंग पहले से ही कंप्लीट हो गया हो तो उसके बावजूद भी आप उसको इन्वर्टर लगाना चाहते हो, मतलब घर में आप इन्वर्टर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो कि पावर का प्रॉब्लम है आपके घर पे, घर में पावर का कभी कभी कट होते रहता है, तो आप एक स्पेयर में इन्वर्टर लगाना चाहते हो। पूरा वायरिंग होने के बाद भी आप अगर इन्वर्टर लगाना चाहते हो तो वीडियो में ध्यान से देखिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको देखने को बार बार मिलता रहेगा। दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम जान लेंगे इन्वर्टर पूरा वायरिंग होने के बाद भी इन्वर्टर कैसा हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहला आप क्या करने का, आपको जितना रिक्वायरमेंट है इन्वर्टर लेने का, उसके पहले आप लोग यहाँ पर एक बोर्ड ले लीजिए, जो मेन बोर्ड है, मेन अपना ही जो लाइन पहले से हुआ है वहाँ से आप तीन लाइन ले लीजिए, एक पेस और एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग, और इन्वर्टर को अर्थिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, तो अर्थिंग एक ले लेंगे। जो देख रहे हैं आप लोग, मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया हूँ तो अपना ये मेन बोर्ड में पावर आ गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी एक इन्वर्टर ले लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट आपका घर में कितना वैट का लगता है और इसमें इस इन्वर्टर से आप क्या क्या चलाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप एक इन्वर्टर ले सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम लोग डिसीजन कर लेना है कि इसको कौन सा जो अपना उपकरण है, यानी कि फ़ैन हो, बल्ब हो, आप इन्वर्टर पे चलाते हो या पेस लाइन पे चलाते हो, वो डिसाइड कर लेने के बाद आपका वैट कितने का, वैट का आपको इन्वर्टर रिक्वायरमेंट है वो आप इन्वर्टर आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पहले से आपका वायरिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद भी आप इन्वर्टर में कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो में ध्यान से बने रहिए, वीडियो स्किप ना करें, देखिए। तो चलिए हम लोग अभी इन्वर्टर ले लेते हैं दोस्तों। देखिए, जो कि ये इन्वर्टर ले लिया हूँ, इसको कलेक्शन कैसा करना है, तो उसके रिक्वायरमेंट एक बैटरी ले लेंगे और एक बैटरी में उसका इन्वर्टर का पीछे वाला में जो पेस और न्यूट्रल वाला केबल दिख रहा है ब्लैक और रेड वाला, तो इसको इन्वर्टर का बैटरी का टर्मिनल से कलेक्शन कर देना है दोस्तों। इसका कलेक्शन ध्यान से करने का है, इसका कभी लूज कलेक्शन नहीं होना, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस वाले में रेड और ब्लैक वाले में माइनस वाले में ब्लैक वाला कलेक्शन कर देना है दोस्तों। ध्यान से कलेक्शन करना है, और कहीं भी आप कलेक्शन कर रहे हो, बैटरी का जो कलेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो कभी लूज कलेक्शन नहीं रहना दोस्तों, ध्यान से बने रहिए, जो कि मैं यहाँ पे कलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, अभी बैटरी का कनेक्शन हो गया अपना इन्वर्टर से, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट हम लोग करते हैं जो अपना पावर सप्लाई से एक मेन स्विच, इसको इनपुट देने के लिए एक स्विच बोर्ड है, वहाँ पे एक त्रिपिन टॉप का ज़रूरत पड़ता है, तो एक त्रिपिन टॉप ले लेंगे। उसके बाद में इसके पीछे का लाइन पे एक केबल रहता है, जो कि अपने मेन पावर से इन्वर्टर को एक इनपुट सप्लाई आ जाता है, ठीक है दोस्तों। उसको हम लोग इस तरह का त्रिपिन टॉप को कलेक्शन कर लेंगे, जो अर्थिंग, न्यूट्रल, पेस, और आप फ्यूज़ वाला अगर त्रिपिन टॉप लेंगे तो आपको सेफली, बहुत सेफ रहेगा, जो भी शॉर्ट सर्किट होने से आपका इन्वर्टर हो और भी कुछ चीज़ हो, सब कुछ सेव रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर का जो आउटपुट लाइन है अपने को घर पे आना है, जो चीज़ हम लोग डिसीजन किया है वहाँ पे हम लोग यूज़ करने के लिए, आप फैन और एक बल्ब हम लोग इससे यूज़ करके आप, मैं दिखाऊंगा, एक फ़ैन और एक बल्ब, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन है वो पहले कट कर देंगे, उससे पहले हम लोग एक त्रिपिन टॉप ले लेंगे और उससे उसके बाद हम लोग जो पहले से हम लोग लाइन बनाए हैं पेस्ट से, वो लाइन, दोनों लाइन हम लोग कट कर लेंगे दोस्तों। देखिए, अभी मैं कट कर लिया हूँ दोनों लाइन, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं, आप सिर्फ इसको पेस्ट लेके, देखिए ये वाला पेस्ट लेके आप जहाँ से लाइन कट किए हो, जो पहले से पेस आया था उसी लाइन पे आप पीछे की तरफ से इन्वर्टर का जो आउटपुट मिलता है, एक ही लाइन से आप लोग इसको कलेक्शन कर सकते हैं, जो कि मैं फ़ैन को लाइन का कलेक्शन दे दिया हूँ, अभी इस वाले बल्ब को लाइन को कनेक्शन दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं इस वाले बल्ब को कनेक्शन दे देता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों, अब ये सिंपल लॉजिक है, सिंपल तरीके से आपको इन्वर्टर कलेक्शन हो गया। अगर आप इन्वर्टर के पीछे साइड से न्यूट्रल भी लेना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ का जो न्यूट्रल है उसको कट कर लेना चाहिए दोस्तों। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कलेक्शन इन्वर्टर का अपना का सिंगल लाइन से, सिंगल वायर से इन्वर्टर का कलेक्शन कम्प्लीट हो गया दोस्तों। यही सिंपल लॉजिक है, आप ध्यान से बने रहिए। अगर पूरा वायरिंग देखना चाहते तो मैं एंड स्क्रीन में मेरा वीडियो है फुल वायरिंग का विद इन्वर्टर के साथ, तो उसको देख लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगा। अगर चैनल पे नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लेना, ना भूले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे, लाइक करना ना भूले, और वीडियो कैसा लगा आपको प्यारा सा कमेंट करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर
क्लिप करना ना भूले दोस्तों, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।